देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जज सिटिंग जज मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रशासन है वो ऑर्डर में नहीं चल रहा है और ये बड़ी खबर इस वक्त। तो सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सिटिंग जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सुप्रीम कोर्ट के देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस जोसेफ कुरियन और इसके साथ ही आपको बता दें कि जस्टिस मदन फिलोकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे, जस्टिस चेलमेश्वर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे, उनके घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जस्टिस चेलमेश्वर के घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सभी चारों जज मौजूद रहे। देश के इतिहास में ये पहली बार सिटिंग जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ही आपको बता दें कि जस्टिस चेलमेश्वर ने इस दौरान बयान दिया है, बड़ा बयान उनका, और कहा है कि लोकतंत्र आज खतरे में है और सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन ऑर्डर में नहीं है और साथ ही मुख्य न्यायाधीश को समझाने की कई बार कोशिश की लेकिन इसके बावजूद जब चीजें सही नहीं होती दिख रही हैं तो फिर उन्हें मीडिया के सामने आकर अपनी बात अब रखनी पड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने पिछले दो महीने से सवाल उठाए हैं कि पिछले दो महीने से गड़बड़ियां जो है वो होनी शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट के प्रशासन में, उनके पास कोई विकल्प बाकी नहीं रह गया था इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए। कई बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को समझाने की कोशिश की लेकिन जब बात नहीं बनी तो तब जाकर आखिरकार उन्हें मीडिया के सामने आना पड़ा है। और साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चार सिटिंग जज पहली बार मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजों को बाहर आकर मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। जस्टिस चेलमेश्वर के घर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस जोसेफ कुरियन और साथ ही आपको बता दें कि जस्टिस मदन फिलोकुर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रशासन पर सवाल उठाए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रशासन है वो ऑर्डर में नहीं चल रहा है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा था, हम अपनी आत्मा को नहीं बेच सकते थे और इसी के चलते अब मीडिया के सामने आकर आवाज उठानी पड़ी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछले दो महीने से जो चीजें हैं वो सिस्टम में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जो प्रशासन है वो सिस्टम में नहीं है। तो अगले साल नवंबर में रिटायर्ड होंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस जोसेफ कुरियन और जस्टिस मदन बिलोकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। जस्टिस चेलमेश्वर के घर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, साथ ही इस दौरान उन्होंने सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रशासन पर और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन ऑर्डर में नहीं चल रहा है इसी वजह से अब। हालांकि कई बार उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को समझाने की कोशिश की लेकिन अब उन्हें सामने आना पड़ा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। मनीष ठाकुर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं जो कई सालों से सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं। मनीष स्वागत है आप, क्या लगता है आपको आखिर ऐसा क्या कुछ जो है चीजें गड़बड़ हो रही हैं जिसके चलते पहली बार चार सिटिंग जजों को मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? देखिए निश्चित रूप से पहली बार ऐसा सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो और इसी मुद्दे को पॉलिटिकल स्वरूप देने को मिलता हो। ये ऐसा पहले कभी नहीं देखने को मिला और भी चार जजों की एक तरह से जिस तरह से पीठ का एक तरह से इन लोगों ने गठन कर लिया है। जस्टिस चेलमेश्वर नंबर टू के जज हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद जो दूसरे नंबर पे आते हैं। कई बार भारत के मुख्य न्यायाधीश से उनका व्यक्तिगत विवाद रहा है और पदों को लेकर के चुकी उन्हें कई बार ऐसा लगा कि वो सीनियरिटी के हिसाब से सीनियर थे। जब सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो शपथ होता है वो शपथ के समय में ही जिसे पहले शपथ दिलाया जाता है वो सीनियर हो जाते हैं। चेलमेश्वर और भारत के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हें हमेशा चेलमेश्वर को लगा है कि अभी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उससे वरिष्ठता में वो सीनियर रहे हैं मगर उन्हें जूनियर बनाया गया। ये व्यक्तिगत
द्वेष कई बार अक्सर सुप्रीम कोर्ट के जजों में होता है, ये पारंपरिक रूप से आज की बात नहीं है, हमेशा से ऐसा रहा है। हाँ। और ये व्यक्तिगत कई हो सकता है कि व्यक्तिगत एक तरह से आपसी जो कई मतभेद पीछे कई केसों में सामने आया है, पीछे बहुत सारे विवादित ऐसे मसले आए हैं जिसमें जो भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो जिम्मेवारी है वो चलमेश्वर ने निभाने की कोशिश की है, इस पे विवाद हुआ है। मुझे लगता है संभवतः इस ढंग का विवाद है, ये देखना पड़ेगा कि आखिर किन किन चीजों का। दरअसल सीबीआई का जो भी मसला है हमेशा ये रहा है कि सीबीआई का सरकार इस्तेमाल करती है, जस्टिस लोढ़ा जब जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, जब वो नंबर 4 के जज थे, उस समय भी उन्होंने कहा था कि पिंजरे में बंद तोते की तरह है भारत की सीबीआई। तो ये सीबीआई पे सवाल ऐसा नहीं है कि पहली बार उठा है, मगर 4 जजों के को सम्मिलित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना निश्चित रूप से कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकराहट के हिसाब से भी इसको देखा जा सकता है। इसे हम उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रशासन है वही ऑर्डर में नहीं चल रहा है, और साथ ही पिछले 2 महीने का जिक्र उन्होंने किया है। बिल्कुल यही मैं आपसे कह रहा था कि जो मुख्य न्यायाधीश के साथ जो उनका टकराहट है, दरअसल कौन सा जज किस केस को सुनवाई करेगा ये भारत के मुख्य न्यायाधीश तय करते हैं। ये परंपरा है और ये कानून है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी मसला आता है, जो भी रजिस्ट्री में मामला आएगा, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश तय करते हैं कि कौन से मामले की सुनवाई कौन सी पीठ करेगी, कौन से जज करेंगे। तो कहीं ना कहीं टकराहट इस मामले को लेकर के होती है, और ये व्यक्तिगत टकराहट है वो इस रूप में सामने आया है, और इसी लिहाज से वो कहते हैं, नजर आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। जो कुछ भी हो, इसे एक तरह से भारतीय जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें सब कुछ समानता से चलता है, भारत की न्यायपालिका, भारत की कार्यपालिका, भारत की विधायिका, इन तमाम चीजों को लेकर के जो इस तरह का टकराहट है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा। और ये आपस में इस तरह की जजों के बीच इन चीजों को निपटाने की कोशिश की जानी चाहिए, इसे सार्वजनिक आना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, लेकिन मनीष, खास बात यह है कि पहली बार नहीं है जब न्यायपालिका पर सवाल उठ रहे हैं, इससे पहले भी लगातार सवाल उठते रहे हैं, और इससे पहले भी भ्रष्टाचार के जो सवाल हैं वो खुद उठे थे न्यायपालिका के ऊपर, जो जस्टिस कर्नर ने लगाए थे, तो बार बार सवाल उठ रहे हैं न्यायपालिका पर। अब देखिए, न्यायाधीश जो है हमारे समाज के हिस्सा होते हैं, वो वही वकील होते हैं जो हमारे आपके बीच होते हैं, वही न्यायाधीश बनकर के आते हैं। तो निश्चित रूप से कुछ चीजें हैं जो एक मानसिक एक मानवीय प्रवृत्ति होती है, मगर ये ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में या फिर भारत की न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का मसला सामने, ये भ्रष्टाचार का मसला नहीं है। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक इशारा करने की कोशिश है कि भारत की जो ये जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, सरकार के दबाव में है, ऐसा कुछ इशारा वो करना चाह रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं कि कई चीज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मसला अभी तक लटका हुआ है, तो ये चीजें अभी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है उनके साथ जो व्यक्तिगत टकराहट है कहीं ना कहीं वो सामने आता हुआ दिख रहा है। जी मनीष, इसे सामान्य भी नहीं कह सकते कि अगर जो जस्टिस हैं वो सामने आए हैं, जज जो है वो सामने आए हैं, सिटिंग जज पहली बार मीडिया के सामने, इसे सामान्य भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रशासन पर सवाल उठाए गए हैं, और साथ ही पहली बार है जब चीजें शायद उनके कंट्रोल में नहीं रही और तब जाकर उन्हें बाहर आना पड़ा मीडिया के सामने। जैसे मैं लगातार बता रहा हूं कि चूंकि मैं भी इस चीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं नजदीक से मैं नहीं देख पाया हूं, मगर जो मुझे सूझबूझ से मुझे जो समझ में आ रहा है उससे यही लगता है कि ये व्यक्तिगत टकराहट है जो इस रूप में सामने आया है, ये लंबे समय का जो आपसी टकराहट है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जजे होते हैं वो सामान्यतः एक लंबे समय तक उनकी वकालत का अनुभव होता है, आपस में उनकी मित्रता होती है, और भले ही वो हमें और आपको दिखते हों कि वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, व्यक्तिगत कई मामलों में कि आपस की प्रतियोगिता होती है, सीनियरिटी का एक कहीं ना कहीं एक कुंठा भी सामने होती है कि आप, मैं सीनियर हूं मगर उसका वो मुझसे जो जूनियर था वो ऊपर आ गया। आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, कई जगह पे होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक समय प्रणब मुखर्जी के अंदर काम करते थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री हुए और प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे। तो कई बार इस तरह के मामले सामने आते हैं, ये कुंठा ये एक मानवीय स्वभाव है जो होता है, और यही मुझे लगता है कि यही चीजें सामने आई है। मनीष, क्या ऐसा भी कहा जा सकता है, अब चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसका एक ये भी मतलब निकाला जा सकता है कि जो न्यायपालिका है उस पर राजनीतिक दबाव जो है, राजनीतिक प्रभाव जो है वो भी कहीं नजर आने लगा है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं अब।
देखिए, कहीं ना कहीं प्रभाव तो निश्चित रूप से होता है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्यपालिका संसद प्रधान होती है और हमेशा से कुछ ना कुछ तो प्रभाव न्यायपालिका पे होता है। मगर हमारी जो व्यवस्था है उसमें न्यायपालिका स्वच्छंद है, स्वतंत्र है और स्वायत्त वाली संस्था है, इसी लिहाज से इस पर सवाल नहीं उठते हैं। मगर एक व्यवस्था जो काम करती है उसमें कहीं ना कहीं इस ढंग से पहले भी आरोप लगते रहे हैं, मगर इस तरह का मामला सामने आना, चार चार जजों का इस तरह से एक तरह साथ आकर के सिटिंग जजों का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये निश्चित रूप से भारत की व्यवस्था के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए एक दुखद पहलू, मुझे जो लगता है कि वो एक दुखद पहलू है। जी मनीष, अगर सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन ही ऑर्डर में नहीं चल रहा है तो क्या ये देश के लिए चिंता करने की बात है? लेकिन तमाम चीजों को देखने को मिलेगा, जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से मैं समझ पाता हूँ, ये व्यक्तिगत कहीं ना कहीं द्वेष है जो सामने आया है और ये कुछ दिनों का होता है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी कमजोर नहीं है कि कुछ इस तरह की घटनाओं से प्रभावित हो जाएंगी, ये इस तरह की चीजों का सामना किया जाएगा। और ये चीजें सामने यदि आती है, कुछ चीजें यदि, कई बार ऐसा होता है कि यदि अंदर की चीजें यदि सामने आए तो उसको उसकी साफ सफाई करने की जरूरत होती है। यदि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसा कुछ है जो बाहर नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि लोग बहुत नजदीक रह करके भी बहुत सारी दबाव हैं कि आप उसे कवर नहीं कर सकते, आप उसे सामने नहीं ला सकते, तो इस तरह की चीजों से बहुत चीजें सामने आएंगी और पारदर्शिता यदि बढ़ेगी तो एक पहलू ये है कि इसे बेहतरी के रूप में देखा जा सकता है। मनीष, साथ ही इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि हमने अपनी आत्मा बेच दी कल को कोई ऐसा ना कहे और इसीलिए जो है हम मीडिया के सामने आए, क्या इसे करप्शन से न जोड़ा जाए? देखिए, अभी चीजों को, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। जिन जिन जजों का हमने देखा है कि जिन जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वो पहले से मदन बी लोकुर का भी एक तरह से व्यक्तिगत रिलेशन दिल्ली हाईकोर्ट से आए थे, सीनियरिटी का उनके साथ भी एक मतलब। चलिए मनीष, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी इस वक्त।